है फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर फंडामेंटल यूनिट, देन डायमेंशनल फॉर्मूला मास। देखो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो एक तो हो गया कि मास किस पे डिपेंड किया, किस पे, फोर्स की पावर एक्स, ठीक है, फोर्स की पावर एक्स, और ये आ गया वेलोसिटी की पावर वाई, और ये आ गया टाइम की पावर जेड, ठीक है। तो इसको एक्स वाई जेड को सॉल्व कर लोगे तो सोल्यूशन हो जाएगा। दूसरा मेथड है जुगाड़ मेथड, ठीक है। हालांकि ये मेथड कुछ क्वेश्चन में लग लग जाता है, समझ रहे ना, पर ये है कि दिमाग चाहिए इसके लिए। अब देखो मैं इसको कैसे कर रहा हूँ कि फंडामेंटल मास, मास क्या है, मास का हमें चाहिए किसके किसके टर्म में चाहिए, फोर्स वेलोसिटी और टाइम के टर्म में चाहिए, फोर्स वेलोसिटी और टाइम के टर्म में चाहिए। मतलब मैं मास को फिजिक्स में ऐसे लिख दूं कि जिसमें सिर्फ ये तीनों यही रहे, तीनों यही एग्जिस्ट करते हों, तो मैं वहां से मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स इज इक्वल टू होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है एम ए, ठीक है। तो मास इज इक्वल टू आ जाएगा फोर्स अपान ए, ठीक है, फोर्स अपान ए, ठीक है। तो फोर्स अपान ए, अगर मैं ए को वी बाई टी लिख दूं, ए को मैं वी बाई टी लिख दूं, तो फोर्स ए को अगर मैं वी बाई टी लिख दूं, तो अब जो मास है सिर्फ वेलोसिटी, फोर्स और टाइम में है, वेलोसिटी, फोर्स और टाइम में है। तो अगर जो मास है वो बना एफ टी और वी की पावर माइनस वन, वी की पावर माइनस वन। ये क्या होता है कि इस मास को इसके टर्म में कन्वर्ट, मतलब ऐसा लिखो कि और कोई वेरिएबल बचे ही नहीं यार, एफ टी वी की पावर माइनस वन। और अगर ये नहीं होता, ऐसे नहीं होता, कभी कभी दिमाग नहीं काम करता, लेकिन कभी कभी आसान आ जाएगा तो ऐसे भी कर सकते हो। अगर ये नहीं होता तो इसी के प्रोसेस से करो, ठीक है।